गाड़ी कर रही है ना, ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी थोड़ी अंधेर हो जाती है ना, ये वाली। Look at this view, beautiful landscape. रोगड़ा चंटी, ये भागीरथी रिवर है आपका, उधर से भिलंगना आता है आपका, ठीक है। ये रॉक एंड अर्थ फिल्ड डैम है। हो गया हमारा टिहरी झील घूमना, ब्यूटीफुल लोकेशन। आसमान की ऊंचाई पर गोरा ही गोरा। यहाँ पर एक भाई, एक और भाई, अरे ये तो ब्लॉगर साहब। यमी ये पहाड़ी नमक है, और आपके ब्रांच सब लोकल से ले सकते हो। पलटन देखो, चार जने हैं और प्लीज सपोर्ट गाइस, प्लीज सपोर्ट, लाइक करें। नमस्कार, कैसे आप सब दोस्तों, दिस इज बाशु और वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला गाइस। फिलहाल अभी हम हैं धनुटी रोड पर और हम जा रहे हैं सुरकुंडा देवी टेम्पल। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर आपका सुरकुंडा देवी मंदिर, और बहुत ही मान्यता है उत्तराखंड में इस मंदिर को लेके। इवन आपके केदारकंठ और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। सब जाम तो इन्होंने रखा है जो इस साइड पे गाड़ी लगाई है ना सब। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं सुरकुंडा देवी मंदिर। ये आपका कड्डूखाल विलेज है, गाँव है, और यहाँ से आप चढ़ाई करके जा सकते हैं। आपका कंक्रीट स्टेयर बना हुआ है, और नहीं तो आपका रोपवेज भी है और जा सकते हैं रोपवे से। आधा किलोमीटर है आपका रोपवे से। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं प्रसाद, यहाँ से प्रसाद लेके हम ऊपर जाएंगे। अभी एंट्रेंस गेट मंदिर के लिए। कैसे करके आपके जो पहाड़ी नमक है, कितने की है? 50। और ये ब्रांच? ब्रांच ये बड़ा वाला 220 का है, छोटा वाला 120 है। ये कहाँ से आता है ये? नमक वही है साधारण वाला, लेकिन हम उसमें अपने पहाड़ी जड़ी बूटी और पहाड़ी ढंग से पीसते हैं। अच्छा, अच्छा। हरा डालते हैं उसमें, हरा धनिया है, पुदीना है, लहसुन। तो ये एक साइड जाने दे रहे हैं रोपवे से, एक साइड आपको रोपवे से ले जाना होगा और एक साइड आपको पैदल ही ट्रैक करके आना है। तो ये हाल है, बाप रे। तो वन साइड जाने को दे रहे हैं, अब जो एजेड लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। मे भी इसलिए वन सेट कर लिया उन्होंने। और ये टिकट काउंटर रोपेज के लिए, टिकट काउंटर है ना। फाइनली गाइस, बैठ चुके हैं हम। चार का कैपेसिटी है फिलहाल, छः बैठ सकते हैं, पर फिलहाल उन्हें चार अभी किया हुआ है और हम बस 5 मिनट में पहुंचेंगे ऊपर। क्या हो रहा है ये? तक 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 कर रहा है। ब्रेकर आ गए, ब्रेकर। और बस 5 मिनट पहुंच जाएंगे ऊपर। ब्रेकर आ चुके हैं, बीच में कड़कड़। जय माँ दुर्गा, जय माँ सुरकुंडा देवी, जय हो माता की। तो अभी हम जा रहे हैं करीबन 9000 फीट के ऊंचाई पर, और ये आपका सुरकुट पर्वत है ये जो। अरे बाप, हेलो, क्या बोला तूने? सीधा यूट्यूबर। सीधा ओ भैया भैया, अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा क्राउड है आज, भीड़ बहुत ज़्यादा है आज। अभी यहाँ जूता रखना पड़ेगा, जूता रख के जाना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं, ये आपका सुरकुट पर्वत पर आपका ये मंदिर है, और ये आपका देखिए, लुक एट दिस आर्किटेक्चरल व्यू, कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है। और ऊपर आने के बाद व्यू बहुत अच्छा मिलता है, अगर क्लाउडी ना हो तो अच्छा व्यू मिलता है। तो ये आपका
सकलाना रेंज, ये आपका धनुल्टी और कनाताल के बीच में आपका सकलाना रेंज है पर्वतों का। उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपका सुरकुट पर्वत, उसमें ये बना हुआ है। और लुक इट, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें से ये एक आपका शक्तिपीठ है। यहाँ दशहरे के टाइम, गंगा दशहरे के टाइम में और नवरात्रि के टाइम में काफ़ी भीड़ रहती है। और आप रोपे से भी आ सकते हैं और आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं। ट्रैक जो ट्रैक है आपका 1.3 किलोमीटर की है, आप आराम से 1.5 घंटे में आ जाएंगे। और अगर रोपे से आते हैं तो 5 मिनट में रोपे से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हो महादेव, हर हर महादेव, जय हो, जय हो, जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब राजा दशरथ ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, तब उन्होंने शिव जी को और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया था। फिर भी माता सती पहुंच गई थी और वहां जाने के बाद उन्हें काफ़ी अपशब्द सुनने को मिला अपने पति शिव जी के लिए। और उससे वो नाराज़ होकर गुस्से में आके उसी यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव जी को इसके बारे में पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और उन्हें माता सती को अपने त्रिशूल में लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। जब विष्णु जी को इसके बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 भाग करे थे और जहाँ जहाँ इनके भाग गिरे वहाँ आपका शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ऐसा मान्यता है कि इस सुरकुट पर्वत में माता सती के सिर गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा सुरकुंडा देवी मंदिर। सो गाइस, अब टाइम हो गया है जाने का, तो लेते हैं आपसे अलविदा। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताएगा, आपको ये प्राचीन मंदिर कैसा लगा कमेंट का। यहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब दिखता है आपका, चारों धाम, चौखंबा सब कुछ दिखता है। और यहाँ से आपका कनाताल 9 किलोमीटर की दूरी पर है। बस आपको कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक लिए बाबे टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। माता रानी सबको खुश रखें। गुड मॉर्निंग, दिस इज बाशु रिपोर्टिंग फ्रॉम चंबा, टीडी गढ़वाल में। और रात को इधर ही ठहरे थे हम, अच्छी खासी धूप निकली अभी। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप मेरे पीछे, आपको दिखाते हैं। स्नो क्लेड माउंटेन दिख रहा है यहाँ से और कितना प्यारा प्यारा घर है यहाँ। लुक एट दिस माउंटेन्स। यहाँ से हम फिर निकलेंगे अभी टीरी झील के लिए, जो यहाँ से करीबन 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बने रहेगा हमारे साथ। अगर नए हो मेरे चैनल में, मेक श्योर कि आप लाइक, शेयर, कमेंट करें।